खबर रीवा से है, जहां लोकायुक्त रीवा की घूसखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। विगत 3 दिनों से लगातार घूसखोर पकड़े जा रहे हैं। रविवार की रात्रि रीवा लोकायुक्त पुलिस ने सिंगरौली वन परिक्षेत्र सिहावल के रेंजर गोपाल उइक्यू को 20,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि रेंजर के द्वारा शिकायतकर्ता तीरथ प्रसाद गुर्जर की जेसीबी को जब्त किया गया था, जिसको छोड़ने के एवज में 40,000 रुपयों की रिश्वत मांगी थी। आरोपी रेंजर 20,000 रुपये पहले ही ले चुका था। वहीं ट्रेस कार्रवाई के दौरान 20,000 लेते हुए धर दबोचा गया। यह कार्रवाई रीवा लोकायुक्त एसपी के निर्देश पर निरीक्षक प्रवेंद्र कुमार के द्वारा की गई है। उक्त कार्रवाई सिहावल स्थित आरोपी के शासकीय मकान में दबिश देकर उसे रंगों हाथों गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता बख्तरा तहसील चितरंगी सिंगरौली का रहने वाला है, जिसकी शिकायत पर ये कार्रवाई की गई। प्रहलाद, हाँ।